महेंद्र गुप्ता की हत्या के लिए दो शूटर हायर करवाने वाला मीडिएटर मथुरा से गिरफ्तार। पुरानी दुश्मनी के चलते हत्या में शामिल एक ही परिवार के तीन लोगों सहित आठ आरोपी किए जा चुके हैं गिरफ्तार। दिनांक 4 मार्च 2024 को छतरपुर शहर में गजराज पैलेस के सामने रोड में अज्ञात हमलावरों द्वारा एक व्यक्ति को गोली मारी गई, जिससे मौके पर ही मौत हो गई थी। फरियादी जो मृतक महेंद्र गुप्ता का ड्राइवर व गनमैन था, उसकी रिपोर्ट पर थाना सिविल लाइन छतरपुर में अपराध क्रमांक 123/24 धारा 302 भागी 25/27 आर्म्स एक्ट का अपराध अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध कायम कर विवेचना में लिया गया। मौके पर FSL टीम एवं तकनीकी एक्सपर्ट बुलाए गए और घटना स्थल का निरीक्षण कर छतरपुर पुलिस के लिए चुनौती बनी। इस अंधे कत्ल के खुलासे हेतु गंभीरता से लेते हुए सिविल लाइन पुलिस कार्रवाई में जुट गई। घटना स्थल के निरीक्षण एकत्रित CCTV फुटेज एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर विगत महा हत्या की घटना में शामिल आरोपी आकाश सक्सेना, एक महिला आरोपी मुख्य आरोपी रानू राजा के पिता, माता, चाचा तथा मथुरा से 2-2 लाख रुपए में हायर किए गए दो शूटर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था एवं शेष सम्मिलित आरोपियों की तलाश निरंतर जारी थी। पुलिस अधीक्षक अगम जैन द्वारा अपराध की समीक्षा निरंतर की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक अमन मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिविल लाइन निरीक्षक वाल्मीकि चौबे के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की धरपकड़ कार्रवाई जारी की। मुख्य आरोपी रानू राजा द्वारा मथुरा उत्तर प्रदेश से दो शूटरों को 2-2 लाख रुपए में हायर किया गया था, जिन्हें पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। साथ ही उक्त आरोपियों के बयान एवं एकत्रित साक्ष्य के अनुसार शूटर को हायर करने में मथुरा उत्तर प्रदेश के निवासी विकास पचौरी उम्र 21 साल द्वारा मुख्य आरोपी रानू राजा से शूटर का परिचय करवाकर 2-2 लाख रुपए की डीलिंग करवाई गई। हत्या की घटना में शूटर की व्यवस्था करवाने वाले मीडिएटर विकास पचौरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अन्य संबंधी आरोपियों की तलाश एवं विवेचना कार्रवाई जारी है। कार्रवाई में निरीक्षक वाल्मीकि चौबे थाना प्रभारी सिविल लाइन के नेतृत्व में उप निरीक्षक धर्मेंद्र रोहित, प्रधान आरक्षक प्रहलाद कुमार, प्रधान आरक्षक सतेंद्र त्रिपाठी, आरक्षक नरेश सिंह, आरक्षक धर्मेंद्र चतुर्वेदी, आरक्षक धर्मेंद्र सिरवैया एवं साइबर टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जनपद दर्शन न्यूज चैनल के लिए चैनल हेड मनीषू पहाड़िया की रिपोर्ट।